नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरमान। आप देख रहे हैं JK247 का फेसबुक प्लेटफॉर्म, और इस वक्त आपको बताते चलें कि जिन खबरों को लेकर हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले रमजान के हवाले से आपको खबर बताएंगे किस तरह से वहां पर क्लैशेस हुई और आज क्या कुछ बातचीत हुई है इस पर बातचीत करेंगे। दूसरी खबर पर आपको दिखाएंगे कि स्मार्ट सिटी को लेकर श्रीनगर के अंदर किस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं, करप्शन हो रही है। और तीसरी खबर में आपको दिखाएंगे कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर कोर्ट के अंदर क्या कुछ फैसला सुनाया गया है। सनम एजाज ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। सनम, सबसे पहले तो रमजान के हवाले से क्या कुछ अपडेट है, जो बातचीत पहले चल रही थी उस पर क्या कुछ अब आया है सामने? देखिए आशा, हम तीन खबरों पे बात कर रहे हैं। ये जो करप्शन का मामला है स्मार्ट सिटी के मामले पर, ये पीडीपी का आरोप है, तो थोड़ा सा उस पर हम थोड़ा क्लियर कर लें कि ये एक आरोप जो है आज पीडीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया है। लेकिन उससे पहले जब आपने रमजान की बात की, तो ये मामला जो है ये थर्सडे को शुरू हुआ था, और थर्सडे को जब वेनेसडे को शाम को चांद निकला था, क्योंकि रमजान का महीना जो है वो चांद के साथ निकल होता है। चांद जब निकलेगा तो रमजान का चांद, उसी के साथ रोजा रखा जाता है। लेकिन चांद जो है उस दिन थोड़ा सा ये हुआ कि पहले नजर नहीं आया, और लगभग 9:30 बजे तक जो है चांद नजर नहीं आया। और 9:30 बजे जो कश्मीर के जो आलिम हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग लीड करते हैं, तो उनने 9:30 बजे के आसपास एक बयान जारी कर दिया, और उसमें उनने बताया कि चांद नजर नहीं आया, इसलिए रमजान का पहला दिन जो है वो फ्राइडे को होगा। लेकिन 9:30-10 बजे के आसपास जो पाकिस्तान का रूह एक हिलाल कमेटी है जो वहां पे चांद देखती है, तो उनने अनाउंसमेंट कर दी कि उनको चांद नजर आ गया है। तो फिर यहाँ पे जो है कश्मीर में भी, क्योंकि ये इस्लामिक मामला है और पाकिस्तान की जो रोहित हिलाल कमेटी है वो इस्लामिक स्कॉलर्स पे डिपेंड, उन वो उस पे देखते हैं, तो उनका फैसला जो था वो यहाँ पे माना गया लोगों ने। और यहाँ के जो लोकल जो स्कॉलर्स थे या लोकल आलिम थे या जिन्हें उलमा कहते हैं, उन पे जब कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए उन पे पूछा सोशल मीडिया में, तो उनका जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी टफ लैंग्वेज थी। उसमें कुछ लोगों को लगा कि ये सियासत हो रही है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला, तो बहुत से लोगों में उनपे उस लोगों ने आपत्ति अपनी जताई कि ये धर्म का मामला है, इसमें ना हिंदुस्तान है ना पाकिस्तान है, चांद ना हिंदुस्तान का ना पाकिस्तान का है। तो उस चीज को लेके यहाँ बड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, डिविजन हो गया था, क्योंकि जो कम्युनिटी के लोग थे वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गए थे। कुछ लोगों ने यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं उनका माना और फ्राइडे को रोजा रखा, थर्सडे को नहीं रखा। और फिर जब फ्राइडे की शाम थी, तो उस दिन जब चांद नजर आए तो बड़ा चांद था, तो लोगों ने कहा कि नहीं जी, हम पहला रोजा जो है वो मिस कर गए हैं। आमतौर पर से कहते हैं कि पहला रोजा हम खा चुके हैं। तो फिर उसके आगे की परेशानी अब होना शुरू हुई, क्योंकि लोग जो थे वो पहला रोजा बड़ी तादाद में रखे थे। तो रमजान का जो शबी कदर होता है वो 27th रमजान को होता है, तो बड़ा ये हो गया कि अब शबी कदर जब आएगा तो उस दिन क्या होगा, शबी कदर क्या 29 को मनाया, 28 को होगा या 27 को होगा, क्योंकि एज पर इस्लामिक लॉ ये 27 को होता है, ये जो है आमतौर पे इसको 27 पे। तो फिर आज श्रीनगर में जो उलमाज हैं, जो स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स, उन सब की एक बैठक हुई। लगभग 10 के करीब जो ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम स्कॉलर्स की, वो सब बैठे हुए थे। उनके साथ जो मुफ्ती आजम कश्मीर है वो भी बैठे, तो एक मीटिंग हुई। मुतफका तौर पे ये फैसला हुआ कि जो डिविजन है या क्योस इन कंफ्यूजन हुआ है उसको दूर करने के लिए फिर आज फैसला हुआ कि जो रमजान जो है वो थर्सडे से शुरू हुआ है। अब ये माना गया रमजान का जो है वो थर्सडे शुरू हुआ है, और 27 का जो रोजा है वो एज पर 27 के हिसाब से रखा जाएगा, ना कि 28। शबी कदर जो है वो 27 के रोजे के हिसाब से, ना कि 28 के, वो अप्रैल के महीने में आती है। तो ये कुल मिला के आगे का जो कंफ्यूजन क्रिएट होने हो रहा था, डिविजन हो रहा था, उस पर आज कहीं ना कहीं स्कॉलर्स ने फिर अपना फतवे वगैरह भी जारी किया, और ये भी बताया कि अगर चांद जो है वो 28 को नजर आ जाता है तो फिर जिन लोगों का एक दिन मिस हुआ होगा वो उसका कफारा कर सकते हैं, यानी ईद के बाद वो रोजा दोबारा रख सकते हैं। तो एक बड़ा कंफ्यूजन जो पैदा हो रहा था उसको आज स्कॉलर्स ने बैठ के आपस में सुलझा। जो है, और फ्यूचर के हवाले से भी ये भी फैसला लिया गया कि अब जब फ्यूचर में कोई ऐसा मामला होगा चांद वगैरह को, तो सब स्कॉलर्स एक साथ बैठ के उस पे बात करेंगे। तो इसमें एक और बात निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर के जो वक्फ बोर्ड है, इसने पिछले दिनों प्रोग्राम एक बनाया कि हम यहाँ पे रोहित हिलाल कमेटी जो है जम्मू कश्मीर की है नहीं यहाँ पे, वो एक तरह की बनाई जाएगी, और उसमें वो देखेगी कि चांद निकला है या नहीं निकला है, तो उसके हिसाब से। तो ये शुरुआत हुई है उस रोहित हिलाल कमेटी की, जो जम्मू कश्मीर में शायद आने वाले वक्त में शुरू हो जाएगी आशा। ठीक है, मतलब ये बहुत अच्छी खबर जो है वो रमजान को लेकर सामने आई। तो फिलहाल क्लैशेज जो हो रहे थे वो कहीं ना कहीं अब सॉर्ट आउट हो गए हैं। चलिए सनम, आगे बढ़ जाएंगे पीडीपी की तरफ। थोड़ा सा आशा दोबारा मैं क्लियर करना होगा, ये कंफ्यूजन था और एक तरह से क्लैश तो हम नहीं कहेंगे, ये डिविजन का आ रहा था सोसाइटी में, कम्युनिटीज में, तो वो कहीं ना कहीं दूर करने की बात की है। मतलब कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया है। ठीक है,
अब आगे बढ़ेंगे सनम, पीडीपी पार्टी की तरफ से जिस तरह से आप देखिए स्मार्ट सिटी को लेकर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं कि करप्शन हो रही है, किस तरह से हो रहा है वो? ये श्रीनगर में आज पीडीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इकबाल तंबू जो पीडीपी के बड़े लीडर हैं और फ्रंट लाइन रनर्स में, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि 13,000 करोड़ रुपए का जो श्रीनगर का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, उनके शब्दों के मुताबिक ये ब्यूरोक्रेसी इंजीनियर वगैरह उनके लिए एक जो है दूध देती गाय बनी हुई है। और इसमें चूंकि 6 महीने हो गए श्रीनगर में स्मार्ट सिटी के नाम पे हर जगह पे खुदाई है, सड़कें खोदी गई हैं, मेस है, हर जगह गलियां बंद की गई हैं, तो उनका आरोप था कि एक तो प्रॉपर जो है इसमें एक वर्कआउट जो करना था वो नहीं हुआ है, कश्मीर का जो कल्चर है उसको भी कहीं ना कहीं इरोड किया जा रहा है। उनका आरोप था कि कहीं पे कल्चर को भी इससे नहीं, और हेरिटेज कश्मीर का था उसको भी कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है। और आज उन्हें श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि इस 13,000 करोड़ रुपए से पहले जम्मू कश्मीर में डल का एक प्रोजेक्ट था, उसी तरह सरकार ने उसको नया डल बनाने की जब बात की तो फिर इंजीनियर ब्यूरोक्रेसी सबने उसको, चूंकि पैसा वाफर मकदार में आया दिल्ली से, तो उस पैसे की बंदरबांट की गई, तो डल का हाल बेहाल कर दिया। इसी तरह श्रीनगर स्मार्ट सिटी में जो पैसा आया हुआ है उस पैसे की चीजों के मुताबिक बंदरबांट हो रही है। और सही तौर पे जो इंजीनियर्स को, जो ब्यूरोक्रेसी को काम करना था, क्योंकि उनका आरोप था कि कोई ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबल नहीं है यहाँ पे, इनसे कोई पूछता नहीं है, और यहाँ से फिर उनके यहाँ पे बड़ा घोटाले हुए इसमें, और ये घोटाले जो है श्रीनगर स्मार्ट सिटी में। और ये भी कुछ वो कह रहे थे कि यहाँ से पैसा लेके बाहर की तरफ भी जा रहा है, तो सिफिन किया जा रहा है यहाँ का पैसा जो है, ये उनके आरोप थे। और इन्हीं आरोपों के बाद अब हम इंतजार करें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अगर इस पर कोई कार्रवाई करते हैं या कोई स्टेटमेंट सरकार का आता है, उसका भी आखिरी कुछ लम्हा पहले तक मैं देख रहा था कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं आया है। ठीक है, मतलब कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसकी मांग उठ रही है। सर, हम जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आप खबर बता रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या कुछ था, वो जरा समझाएं। ऑलरेडी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट्स पिछले 1 साल के दौरान हुई है वो कहीं ना कहीं कोर्ट मामला में एनआईए सीबीआई वीबीआई के घोटाले, उनमें जो आरोप लगे हैं उनमें फंसा हुआ है। और पिछले दिनों आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट ने जो पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की जो मामला था उसको और 3 महीने का टाइम दिया है उस पर इंक्वायरी करने का। लेकिन एक और फैसले का आज हुक्म आया है, वो आया है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में 2007 से लेकर 2022 तक जो भर्तियां हुई है उस पे रीड पे एक एनजीओ है उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल का आरोप है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में ये जो भर्तियां हुई है जो 2007 से लेकर 2022 तक, उन भर्तियों के दौरान जो है करप्शन हुआ है और बहुत से लोगों को कैजुअल पहले लगाया गया है, और उन कैजुअल लगाए जाने के बाद उनको अमेंडमेंट्स की गई हैं लॉज में, इंटरनल लॉज में, और उनको फिर कंफर्म किया गया है। तो उनका आरोप था, उसी आरोप पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार को आदेश दिए है कि इसकी बाजाब्ता तौर पे माइक्रोटरी इंक्वायरी की जाए, और इंक्वायरी के दौरान अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है या कहें जिस तरह आरोप लगे अगर उस तरह वो आरोप सिद्ध होते हैं तो बाजाब्ता तौर पे जिन लोगों को भर्ती किया गया है उनको टर्मिनेट किया जाए, नई रिक्रूटमेंट की जाए, नए इंटरव्यूज किए जाए। और उसके साथ साथ ये भी है कि उन ऑफिशियल्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये किया है। तो ये एक दूसरा बड़ा मामला है यहाँ जेएनके हाई कोर्ट का जिसमें जो भर्तियां हुई है 2007 से लेकर 2022 तक उस पर अब दोबारा इंक्वायरी के आदेश है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। चलिए सनम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा सनम एजाज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर भी किस तरह से कोर्ट के अंदर मामला जो है वो उठाया गया है, तो ऐसे लोगों पर कार्यवाही होने की जरूरत है, साफ तौर पर ये भी कहा गया है। अब देखना ही होगा कि इन बीच में कितने लोगों के नाम सामने आते हैं और किस किस पर कार्रवाई होती है। आप देखते रहिए JK 24/7।